वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं ऑर्गेन्जा दुपट्टा और उसके साथ आप सूट कैसे पेंट कर सकते हैं ये बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आपको मेरी पेंटिंग टेक्निक की क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक काउंट से मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आई। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कलर और ब्रश यूज़ करेंगे। जो लोग हिंदी नहीं बोलते मैं उनके लिए आगे इंग्लिश में बोल दूंगी ताकि वो भी समझ जाएं। और ये सारे कलर की इन्फॉर्मेशन एक जगह अभी आगे मैंने लिख दी है, तो आप पॉज करके वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं। आई हैव रिटन कलर नेम एंड ब्रश नंबर ऑन द स्क्रीन, सो पॉज एंड रीड इट। उसके बाद देख लेते हैं, ये स्केच है ड्राइंग का। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सारा कुछ ऑर्गेन्जा पेंटिंग और सूट पेंटिंग के बारे में बताऊँगी। सूट पेंटिंग की दो पहले ही वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा। तो मेक श्योर करिए कि वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। फिर आप लोग कमेंट करते हैं जो चीज़ मैं बता चुकी हूँ, या फिर कोई नया टॉपिक के लिए आप लोग कहते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग पूरा वॉच नहीं करते, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई न्यू टॉपिक बनाने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो लाती रहूं और सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप्स आपको पूरा पूरा फुल और इतना जूम करके शो करती रहूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। इसमें मैंने तीन तरीके का फ्लावर पेंट किया है। सबसे पहले येलो और ऑरेंज के साथ, दूसरा पर्पल एंड वाइट, और तीसरा रोज़ है जो कि क्रिम्सन और पिंक एंड वाइट के साथ है। तो मैंने आपको तीनों फ्लावर की डिटेल्स दिखाई है। अभी मैं ऑर्गेन्जा पे कर रही हूँ, और ऑर्गेन्जा पेंट करने या सूट पेंट करने की सबसे ज़्यादा प्रो टिप ये है कि आपको ज़्यादा फिनिश नहीं करना। जैसे कि आप अगर मेरे पुराने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं सारी पेंटिंग को कितना फिनिश करती हूँ, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा फिनिश नहीं करना है। ज़्यादा फिनिश करने से ये प्रिंट की तरह दिखने लगेगा, वो हैंड पेंटेड नहीं लगेगा। You don't need to finish your brush stroke very much. Keep that regular brush stroke in your suit painting and dupatta painting because it's give you a hand painted look. Either if you go and finish it too much, it's look like a print. So it's a tip. Keep it in mind. I have mentioned all important point in English. If you are not a Hindi speaker, then also you can understand this video very well. So watch this video completely. This is the only way you can support my channel. And if you appreciate my teaching method, press the subscribe and like button. And if you are not a Hindi speaker, please let me know in the comment that this way of teaching is helpful for you. Few people are requesting for subtitle, but I think hearing is way more better than reading, and understand it will more easy to understand painting while hearing in English. तो लेट मी नो इन द कॉमेंट। ऑर्गेन्जा को पेंट करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। ये सूखने में बहुत टाइम ले रहा था। मैंने भी आपकी रिक्वेस्ट पे पहली बार ऑर्गेन्जा पे पेंट किया। ये जो मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ पेंट करके, ये पूरा एक सूट का सेट है। तो मैं यही सेम डिज़ाइन सूट पे भी है, तो मैं आपको सूट का भी रोज़ और कुछ बंच दिखा दूँगी और दुपट्टे का भी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप ये भी आज देख लेंगे कि ऑर्गेन्जा पेंटिंग पे कैसी पेंटिंग दिखती है और सूट पे, क्योंकि सूट एक फैब्रिक होता है हमारा नॉर्मल फैब्रिक, और ऑर्गेन्जा हार्ड सिल्क की तरह होता है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि दोनों पे पेंटिंग सेम डिज़ाइन है, लेकिन उनका लुक क्या होगा, उस इस पे ऑर्गेन्जा पे कैसी लगेगी और सूट पे, ये भी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ए टू जेड सारा सूट पेंटिंग और दुपट्टा पेंटिंग के बारे में सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए। इसमें मैंने सारे रोज़ भी दिखाया है, सिंपल फ्लावर भी दिखाई है, सारी चीज़ें मैंने आपको शो कर दी है। अगर आप चैनल पे नए हैं और पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने उसके लिए एक अलग से बिगनर सीरीज़ की क्लासेस बनाई हुई है। क्लास वन से आप देखिए, आपको बहुत कुछ आ जाएगा फैब्रिक पेंटिंग के बारे में ईजीली। और ज़्यादा आपको कोई स्टफ़ भी नहीं ख़रीदना है, कोई एक्सपेंसिव। उसमें मैंने पूरी डिटेल्स दी है, कपड़े को वॉश करने से लेकर आयरन करने और पेंट करने का सारा स्टेप्स मैंने बताए हैं डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। तो मेक श्योर करिए कि आप बिगनर सीरीज़ के क्लास वन से देखने के बाद ये देखेंगे, तो आपको सारी बातें समझ आएंगी, और ये भी समझ आएगा कि मैं ये पेंट कैसे कर रही हूँ, स्ट्रोक्स क्या हैं, क्योंकि मैंने उसमें आपको सब सिखाया हुआ है।
चलिए अब आगे की डिज़ाइन देखते हैं और बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको मेन पॉइंट बताते चलूँगी। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए अगर आपको सारे टिप्स जानने हैं। इसमें जो लीव है वो मैंने एक बार वॉल हैंगिंग डिज़ाइन आपको बताई थी हार्ट शेप में, आई थिंक 1 or 2 months अगो, उसमें भी यही लीव है। तो आप वहाँ ये देख के अगर आपको ये वाली आ जाती है तो आप समझ रहे हैं कि आप कुछ और भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बस सूट बना सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप की लीव सीखना है, अगर आप ऐसी लीव आपको आती है और सीखना चाहते हैं तो आप बिगनर सीरीज़ देखिए, हर क्लास में अलग अलग तरीके की लीव मैंने सिखाई हुई है। अब मैं यहाँ आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी ऑर्गेन्जा या सूट पेंट कर रहे हैं तो उसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे मीडियम का, क्योंकि अगर आप पानी का यूज़ करेंगे वो ज़्यादा रनी हो जाएगा और फैलेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये बोनस टिप है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं जगह जगह पर आपको टिप्स देती रहती हूँ और आप स्किप करेंगे तो आप फिर को आपको समझ नहीं आएगा नॉर्मली। हियर अ बोनस टिप फॉर ऑर्गेन्जा पेंटिंग और सूट पेंटिंग दैट यू शुडेंट यूज़ वाटर, इंस्टेड यू यूज़ मीडियम। एंड इफ़ यू डोंट नो वॉट इज़ मीडियम, हाउ इट्स लुक लाइक, सो वॉच माई बिगनर्स Class 1 and Class 2, आई हैव शोन द बॉटल्स ऑफ मीडियम, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। दैट्स आई कीप सेइंग वॉच वीडियो कम्प्लीटली सो यू डोंट मिस एनी पॉइंट।
अब हमारा जो दुपट्टा है वो बन के रेडी हो चुका है, पेंट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सूट पेंट कैसे करना है इसी डिज़ाइन का सेम, और आपको टेक्सचर भी पता चल जाएंगे, अलग अलग फैब्रिक पे अलग अलग टेक्सचर, और मैं लास्ट में आपको फुल लुक दिखाऊंगी। अब मैं आपको सूट पे रोज़ पेंट करके दिखाऊंगी। ये ग्लेस कॉटन का फैब्रिक है, आप देख रहे हैं सेम कलर सेम डिज़ाइन सब कुछ सेम है, लेकिन टेक्सचर अलग हो रहा है। वो फैब्रिक वो ऑर्गेन्जा था और ये ग्लेस कॉटन है। पेंटिंग की खूबसूरती इसी में है कि जब आप पेंट करें तो कहीं भी साइड में अगल बगल कलर ना लगे, तभी एक आपको एक नीट एंड ब्यूटीफुल लुक वो प्रोवाइड करता है, और आपकी डिज़ाइन पूरी जब ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगती है। हमारा सूट पेंट होके रेडी है, और अगर आपने कंप्लीट वीडियो और लास्ट तक देखी है तो अब आप अपना खुद भी सूट पेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, डिज़ाइन कैसा लगा और सारे मेथड। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस देखनी है जैसे कि बेडशीट और फर्दर सूट पेंटिंग, पिलो कवर, मेज पोश और बहुत सारी यूनिक डिज़ाइन जो कि मेरी सेल्फ डिज़ाइन है, बिल्कुल ही यूनिक है, तो आप वो भी चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है कि आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट भी देखने के एलिजिबल हो जाएंगे। मेरे चैनल पर सूट पेंटिंग की और वीडियो देखनी है तो ये दोनों देख लीजिए, और रोज़ पेंटिंग की एक क्लास है बिगनर सीरीज़।